नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे और बहुत बहुत पॉजिटिव होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टॉप 5 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। तो आज के इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके साथ एक्यूप्रेशर शेयर करने वाली हूँ ब्रेन का, यानी कि अगर आपको अपना मेमोरी पावर इम्प्रूव करना है तो ये एक्यूप्रेशर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, अगर आप अपनी मेमोरी पावर को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको अपने दोनों आईब्रोज के बीच में, जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं, यहाँ पर अपने इंडेक्स फिंगर से और मिडिल फिंगर की हेल्प से यहाँ पे इस तरीके से प्रेस करना है। आपको अपनी नाखून का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से यहाँ पर प्रेस करना है। इस तरीके से अगर आप हमेशा सुबह में उठ करके यहाँ पे इस तरीके से प्रेस करेंगे तो ना केवल आपका मेमोरी पावर इम्प्रूव होगा बल्कि आप जो भी चीज़ याद रखेंगे वो चीज़ हमेशा के लिए आपको याद रहेगी। नेक्स्ट एक्यूप्रेशर है, वो है आपके आँखों के लिए। अगर आप अपनी आई साइट को बढ़ाना चाहते हैं, चश्मा लगा हुआ है आपको, चश्मे को हटाना चाहते हैं, तो इस एक्यूप्रेशर की मदद से आपका चश्मा हट भी जाएगा और आपकी आईज़ की जो साइट है वो भी बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगी। तो बस करना आपको बस इतना है, आपको लिटिल फिंगर के ठीक नीचे में ये जो पॉइंट है यहाँ पर इस तरीके से प्रेस करना है। इस तरीके से ऑन द रेगुलर बेसिस अगर आप प्रेस करते हैं फॉर 15 to 20 मिनट ऑन द रेगुलर बेसिस, तो आपका जो भी आई साइट है वो अच्छा इम्प्रूव होता है और साथ ही आपकी जो भी आपको आईज़ का प्रॉब्लम है वो जल्दी ठीक होता है। तीसरा, हम वहाँ पे बात करते हैं अगर आपको किडनी की समस्या है, किडनी का प्रॉब्लम है, तो किस तरीके से आप एक्यूप्रेशर की मदद से अपने किडनी का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत लोगों को किडनी में स्टोन होता है, उसका ऑपरेशन होता है, या फिर अगर आपको शक रहता है कि आपको किडनी का ही प्रॉब्लम हो गया है, तो आप इस एक्यूप्रेशर की हेल्प से अपनी किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं। आपको बस करना ये है कि अपने मिडिल फिंगर के सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर इस तरीके से प्रेस करना है। इस तरीके से आपको ऑन द डेली बेसिस 15 से 20 मिनट तक प्रेस करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर आपको हाइपोथर्मिया है, यानी कि ठंड में आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, आप काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो, तो क्या आप कर सकते हैं। पहले तो आपको अपनी खान पान का अच्छा ध्यान रखना है, साथ ही आपको स्वेटर वगैरह अच्छे से पहन कर रहना है। इसके साथ ही आपको यहाँ आप देख सकते हैं मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में ये जो पॉइंट है यहाँ पर आपको इस तरीके से प्रेस करना है। इस तरीके से प्रेस करने से अगर आपको हाइपोथर्मिया है तो जल्दी ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।